आज की वीडियो में हम करेंगे होम टूर। तो जो यहाँ पे मेरा घर है हिमाचल में, मैं आपको ये घर दिखाऊंगी। नॉट एग्जैक्टली घर, यहाँ से व्यू कैसा दिखता है, यहाँ पे जो बिल्कुल घर के साथ में जो खेत है वहाँ पे कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ का वेदर कैसा है, मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। तो आज हम आपको करवाते हैं होम टूर स्नूफी के साथ। स्नूफी से हाय। ये इसका हाय था, आऊं। तो आज का वेदर है ऐसा। ये रहा मंदिर, ये रहा वॉलनट का ट्री। आज का वेदर स्टिल थोड़ा सा अच्छा था, वैसे कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही थी। ये घर नहीं है, ये होटल है। तो ये एरिया है मेनली पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे यू कैन सी ट्रीज, मेनली जो यहाँ पे होते हैं वो है एप्पल। तो ये जो आगे वाला ट्री है ये है एप्पल का। ये छोटे छोटे से एप्पल बन रखे हैं, पर दिस इज नॉट एप्पल, ये है चुल्ली। हमारे यहाँ इसको चुल्ली बोलते हैं। आपको पता होगा एप्रिकॉट का, ये बिल्कुल एप्रिकॉट जैसा होता है बट ये छोटा होता है, एप्रिकॉट का कज़न लगा लो। एंड ये है पेयर नाशपती, सी ये अभी बने नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इनके हमारे यहाँ पे कुछ ही पेड़ होते हैं, एक दो पेड़, ज़्यादा नहीं होते। एप्पल सबसे ज़्यादा दिखेंगे। ये रहे एप्पल, ये वाला चुल्ली है, वो दूर वाला वॉलनट ट्री है, सी ये रहा फिर से ये चुल्ली का पेड़। तो ये होटल है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ टॉप फ्लोर से, ये रहा। तो यहाँ से जो व्यू है वो ऐसा दिखता है, नीचे यहाँ का स्कूल है। एंड ये वाला जो ऊपर है ये है कामरू विलेज, सी वो यू कैन सी वो ऑरेंज छत वाला घर, बड़ी मम्मा का घर है। ये मेरा पीछे करते करते यहाँ पे आ गया है स्नूफी। बिट्टू किसने कहा आपको ऊपर आने को? तो हम जा रहे हैं नीचे, अब ये चल सकता है। तो होटल में मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया बिकॉज उसमें क्या दिखाना था, बट यहाँ से व्यू अच्छा दिखाया है, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ से अभी व्यू दिखाया है। अब मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का छोटा सा गार्डन जो मम्मा ने यहाँ पर बना रखा है। ये फ्लावर्स, दिस इज डॉगी फ्लावर, मैंने आपको लास्ट ईयर भी दिखाया था, सी पाँ 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 पाँ। तो ये है गोभी, इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, तीनों हैं, तीनों टाइप की गोभीज है। एंड ये कोई ऐसी बेल सी झाड़ी है, आई डोंट नो किसकी, आई थिंक पम्पकिन है ये। अभी कुछ वेजिटेबल्स बन रखे थे, हाँ सी ये रिकॉर्ड ब्रोकली, ये रहा ब्रोकली। मम्मा ने मुझे सुबह ब्रोकली के परांठे खिलाए थे यहाँ से ला के। तो ये है मम्मा की ब्रोकली, और ये देखो छोटी छोटी सी ब्रोकलीज बनी हुई हैं। ओहो ये रही पत्ता गोभी, सी ये भी बहुत छोटे हैं, ये अभी बने नहीं है, ये बन रहे हैं। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पत्ता गोभी का है। देखो यहाँ पे ये रहा पीच, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये बन रहे हैं अभी। ये एप्पल का ट्री है, जब पूरे फ्रूट्स बन जाएंगे मैं फिर से एक ब्लॉग लगाऊंगी सारे फ्रूट्स बनने के बाद। एंड ये अगेन चुल्ली, ये तो मुझे आराम से पता लग जाता है बिकॉज चुल्ली के पौधे बहुत होते हैं। वहाँ मम्मा ने टमाटो लगा रखे है, अभी बने नहीं है, जब जरूरत है टमाटो की सबसे ज़्यादा तब तो बने नहीं है, बाद में बन जाएंगे ये। ये देखो छोटे छोटे से टमाटो, मम्मा को रोजेस बहुत पसंद है, इसलिए मम्मा ने रोजेस लगा रखे है। ये ऊपर भी लगा रखे है कुछ कुछ फ्लावर, वो भी बने नहीं है, टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस पार्ट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर, हमारे यहाँ घर कैसे होते हैं। ये है डाइनिंग, थोड़ा सा भी गंदा रखा है बिकॉज घर पे मम्मा है नहीं, तो थोड़ा सा घर अभी साफ नहीं है। ये है मम्मा का रूम, ये मेरी बचपन की फोटो। ये है गेस्ट रूम, ये भी थोड़ा मैसी सा हो रखा है। ये रहा पंठन जो हर घर में होता है, ये स्नूफी यहाँ पे बैठता है बिकॉज उसको चाहिए होता है घर पे कौन क्या बना रहा है, उसको हर चीज़ जाननी होती है, सो इसलिए वो आराम से यहाँ पे बैठ के देखता है। तो ये है पंठन,
जो आपको किन्नौर में हर घर में दिखेगा, ये पूरा वुडन का बना हुआ आता है, यू कैन सी। हाँ, तो इसमें बीच में होता है ये चूल्हा, इसमें लकड़ियों से आग जलाते, बिकॉज सर्दियों में बहुत ठंड होती है तो हीटर एंड ऑल इतना नहीं चला सकते, लाइट नहीं होती है, कभी कभी बर्फ में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट नहीं होती है, तो उस वजह से ये चूल्हा बहुत ही ज़्यादा रूम को गर्म रखता है। और उसका धुआं ये यहाँ से पाइप के थ्रू बाहर जाता है, यहाँ पे ऐसे बाहर, इसकी ओपनिंग यहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो हॉल है, मेन रूम है। भाई का रूम, ये अभी सो रहा है, इसके रूम थोड़े बड़े से ही होते हैं, इसके पीछे की फोटो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम, सिर्फ मैंने अपने रूम पे स्टिकर चिपका रखा है, वहाँ भी है, मैं कोई वहाँ नहीं छोड़ी अपने रूम की, हर जगह स्टिकर चिपका रखे है। लाइटिंग कर लूँ, मैंने यहाँ पर ये वाले लाइट्स लगा रखे, ये मैन मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझे प्यार से बर्थडे गिफ्ट दिया था। तो ये है मेरा रूम, नहीं ना थोड़ा कार्टून रूम लग रहा है, तो मुझे ये ऐसा ही पसंद है। ये मैंने प्यारे से स्टिकर्स बना रखे थे, ये रही मैं, ये मेरे किंडर जॉय की कलेक्शन है, मुझे बर्थडे पे वैसे भी तो सारे किंडर जॉय मिले थे, तो मैंने सारे यहाँ पे ना रखे हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूँ, सारे मैंने यहाँ के सारे रूम्स दिखा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी जो पुराने ज़माने के घर होते थे, बिकॉज मैं अभी उस दिन जाऊँगी बड़ी मम्मा के घर, वहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने का घर भी है, फिर जो उसके बाद के घर थे वो भी हैं, जो आज के घर है वो भी है, तीनों टाइप के घर, तो मैं वहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाऊँगी। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा होम टूर वाला, उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर देना, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।